दोस्तों आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके अभी 2023 के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जो हमारे अंदर स्वयं ही विकसित हो। जब हम पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो ये जो आनंद है, ये जो प्रसन्नता है, वो हमारे अंदर स्वयं से विकसित होती है, इसलिए यह एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। ये घटक अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन क्या है हम समझते हैं। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जब हम किसी एक विषय पर अलग अलग तरीकों से जब हम सोचते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से सोचते हैं, तो वह अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई विषय है उस पर हम धारा प्रवाहिता करें, मतलब हम उसके विस्तार पर जाएं, मौलिकता को जानें, उनके लचीलापन मतलब अलग अलग तरीके से उसे सोचे, यही चीज तो अपसारी चिंतन है। और इस कारण इसका आंसर ऑप्शन सी अपसारी चिंतन है। अब हम देखते हैं, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है उसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। जब हम कोई नए विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो तो कोई भी नए विचार उत्पन्न होने को ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो यहां पर भी देखिए, असाधारण विचारों का क्या होना, उत्पन्न होना, यही तो सृजनात्मकता है। इस प्रकार इसका आंसर बी सृजनात्मकता होगा। अगला देखते हैं, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके तो वह है, इसका आंसर है बाल अपराधी। इसको ध्यान से समझेंगे, जब कोई गतिविधि समाज विरोधी हो तो उसे अपराध कहेंगे, और अगर इस काम को अगर कोई बालक करे तो फिर वह बालक क्या कहलाएगा, बाल अपराधी कहलाएगा। यही कारण है इसका आंसर बी होगा बाल अपराधी। अगला है, सीखने का अर्थ है, सीखने का अर्थ है अर्जन करना। अब चाहे हम आदतों का अर्जन करें, चाहे हम ज्ञान का अर्जन करें, चाहे हम अभिवृत्तियों का अर्जन करें, अर्थात ये सभी जो हैं, ये सीखने का अर्थ होंगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसी प्रकार शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका तैयारी डिटेल से करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।